का पूरा जो टेम्परेचर था वो बर्तन पे नहीं आ करके वो ऊपर चला जाता था, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए ये होल छोटा किया है। और यहाँ पर इस तरफ मैं दिखाऊँ आपको एक और होल, आपको ये दिख रहा होगा। तो रेसिपी का जो नया स्टूडियो बन रहा है उसकी हो रही है तैयारी, और यहाँ मम्मा लग रही हैं। मैंने थोड़ी देर पहले मिट्टी वगैरह गूंथा था, तो ये हम दीवार बना रहे हैं यहाँ पर जो चूल्हे के आसपास होती है इस तरह से, और इसकी लिपाई करेंगे। और इसकी भी लिपाई उतर गई है जगह जगह से, तो इसको भी लिपा जाएगा। तो ये मिट्टी रिपेयर के लिए तैयार हो गई है, गोबर मिला करके, गाय का गोबर मिलाया इसमें। और ये मिट्टी को हमने गलाया था 3-4 दिन, ये इस तरह से काली हो जाती है, तो इससे क्या चूल्हा बहुत अच्छा बनता है। ये मिट्टी जब चूल्हे को जलाते हैं तो पक करके एकदम कड़क हो जाती है, इतना अच्छी हो जाती है कि तंदूर के जैसे चूल्हे में रोटी भी लगा सकते हैं। तो एक बार में तो बनेगा नहीं चूल्हा, पहले इसको बना के थोड़ा हार्ड होने के लिए छोड़ा जाएगा, फिर इसके ऊपर दूसरा राउंड, तीसरा राउंड इस तरह से पूरे चूल्हे को बनाया जाएगा। तो ये दीवार है बन गई है, अब इसकी करेंगे लिपाई। और मेरी मम्मा जो है ना वो इन सारे कामों को करने में एकदम एक्सपर्ट है, मतलब इतनी साफ़ सुथरी चिनाई करी है मम्मी ने। ये जो प्रोफेशनल मिस्त्री होते हैं ना, जैसे वो करते हैं वैसे ही इन्होंने की है। तो ये हमने कर लिया है तैयार लिपाई करके, ये दीवार की भी लिपाई हो गई है, और मम्मी यहाँ पे और भी कर रही हैं लिपाई। तो ये हो गई है हमारी पूरी दीवार की लिपाई, अभी आंगन का थोड़ा सा काम रह गया है वो कर लेंगे हम। तो दीवार की लिपाई हो चुकी है वहां पर, और थोड़ा सा आंगन भी लिपा जा चुका है, नया चूल्हा बन चुका है, उसको हम वहां से हटाएंगे और इस नए चूल्हे के साथ रिप्लेस करेंगे। मम्मा ने बनाया है इसको, मम्मा एक्सपर्ट है बनाने में, तो मैं और मम्मा मिलकर के बाकी के आंगन की लिपाई करेंगे। तंदूर की रिपेयरिंग हो चुकी है, उसको भी अच्छे से दोबारा से लीप दिया गया है, अब बस इतना सा काम बाकी है। तो आज हम ये करने वाले हैं, मिट्टी तैयार है, उस मिट्टी को गलाया है 8 से 10 दिन तक, तो वो काली हो गई है। और उसके अंदर जो गेहूं के पौधे होते हैं जिसको तूड़ी बोला जाता है, उसके छिलके मिला करके गलाया है ताकि मजबूत अच्छा रहे चूल्हा। और ये ऊपर से वाइट फिनिश देने के लिए चिकनी मिट्टी को गूंथा गया है, और इधर ये गाय का गोबर लाल मिट्टी में मिला करके हम इसको लिपेंगे ये पूरे आंगन में, तो बहुत अच्छा सा लुक आने वाला है इसका। आ गई है फिनिशिंग की, तो एक दिन और सूखेगा अब ये। आज हो गई है 20 तारीख और कल मेरा बर्थडे है। नाश्ता कर रही हैं और वो वहाँ पर मम्मी हैं, और मम्मी हमेशा कुछ ना कुछ काम में बिजी रहती हैं। तो ये हमारा स्टोरेज है पूरा सर्दियों के लिए, सर्दी यहाँ बहुत पड़ती है, कोहरा बहुत होता है, बहुत ठंड रहती है। और आज का ब्लॉग जो है इस बारे में भी है कि जिली का जो स्टूडियो का रेनोवेशन का काम था, यानी कि उसकी लिपाई पुताई, नए चूल्हे बनाने का जो काम था,
वो पूरा हो चुका है। उसमें थोड़ी सी डेकोरेशंस मैं कर चुकी हूँ, तो वो आपको दिखाने वाली हूँ। और 27th of May को है जिली का 1 ईयर कंप्लीट हो रहा, और उस दिन हम बनाएंगे उसके ऊपर एक अच्छी सी फ्लेवर्ड, ठंडाई फ्लेवर्ड खीर की रेसिपी बनाएंगे। और हमारे पंजाबियों में ना जो अच्छे काम की या नए काम की शुरुआत होती है ना, तो वो होती है कड़ा प्रसाद से, यानी कि आटे का हलवा। तो मम्मा शुरू करेंगी उस चूल्हे को, क्योंकि मम्मा का सबसे ज़्यादा उसमें मेहनत है, और उस पर मम्मा बनाएंगी कड़ा प्रसाद। उसके बाद मैं जिली रेसिपी की जो नई रेंज है रेसिपीज़ की स्टार्ट कर दूंगी, करती रहूँगी। तो चलिए एक फाइनल लुक देख के आ जाते हैं जिली का। तो चलते हैं जिली स्टूडियो की तरफ। तो यहाँ पर ये इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया है, यहाँ ये जो बेल है ये इस तरीके से। तो एक तो ये मैंने अप्लाई किया है, और ये चूल्हा आप देख पा रहे होंगे। तो इस हांडी में बनेगी जिली के लिए खीर, जिली के बर्थडे के लिए, और मेरे बर्थडे के लिए मम्मी बनाएंगी हलवा। और ये चूल्हा है, चिकनी मिट्टी की पुताई हो चुकी है अच्छे तरीके से। और पिछली बार जो इसका होल था ना चिमनी का, काफ़ी जो बड़ा था, तो इस वजह से क्या होता था, यहाँ पर पूरा जो फ्यूल या जो ईंधन हम जलाते थे ना, तो पूरा का पूरा जो टेम्परेचर था वो बर्तन पे नहीं आ करके वो ऊपर चला जाता था। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ये होल छोटा किया है। और यहाँ पर इस तरफ मैं दिखाऊँ आपको, एक और होल आपको ये दिख रहा होगा, तो एक्स्ट्रा जो हीट प्रोड्यूस होगी ना, तो उसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और उसको हम यहाँ पर, हमने कि इसको तंदूरी कहा जाता है बेसिकली, तो ये छोटी सी तंदूरी टाइप बना दी है, तो वहाँ से हीट यहाँ आएगी। यहाँ पर भी एक होल है, मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाती हूँ, मे बी आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर ये एक होल है, यहाँ से एक्स्ट्रा टेम्परेचर यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे यहाँ पर रखी हुई चीज़ भी धीरे धीरे पक जाएगी, जैसे दाल उबालनी है या कोई और चीज़ करनी है। और इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस बचा था, तो यहाँ पर हमने अपना ईंधन रख लिया है। और ये तंदूर है, इसकी भी रिपेयरिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो गई है। तो कुल मिला करके जिली का स्टूडियो रेनोवेट हो चुका है, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसको मैंने यहाँ लगा लिया। और आपने देखा होगा कि मैंने वार्निश भी की थी इस पर, तो देखिए कितनी बढ़िया वाली चमक इसके ऊपर आई हुई है, और ये मज़ेदार है। और उसके अलावा यहाँ पर ये लालटेन मैंने यहाँ लगा दी है बैक साइड में, और इस पर भी आप देखिए कितनी अच्छी वाली जो ग्लॉसी चमक जो है आ गई है इसके ऊपर, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मनी प्लांट है, थोड़ा सा गर्मी की वजह से ना इस तरह का हो गया है, तो यहाँ पर इसकी ये टहनियाँ थोड़ी सी बढ़ गई हैं, और ये अच्छी लगती है मुझे, बहुत खूबसूरत। मतलब मुझे मनी प्लांट सबसे ज़्यादा पसंद है, अगर प्लांट्स की बात करें तो मनी प्लांट सबसे अच्छा लगता है। और मैं इसे लगाती भी खूब हूँ, बॉटल्स में लगाती हूँ, वाटर बॉटल्स में लगा लेती हूँ, पॉट्स में लगा लेती हूँ, और ये अच्छा ग्रो भी करता है। काफ़ी अच्छा रेनोवेशन हो चुका है, और अब इसके ऊपर हम काम शुरू करने वाले हैं। इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ, मेरे ब्लॉग्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें, और मेरी रेसिपीज़ को भी आप इंजॉय करते रहें, और वहाँ पर जाकर के उस चैनल पर भी आप अपना सपोर्ट दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच।